नमस्कार, आप देख रहे हैं हर न्यूज 24, मेरे यानी परवीन अलावत के साथ। एक तरफ से भाजपा का 75 पार का नारा, ऊपर से राष्ट्रवादी भाजपा की बातें, 370 को 35A को वहां से हटा दिया। हरियाणा में कुछ ही दिनों में चुनाव है, राजनीतिक सरगर्मी तेज है। राजनीतिक सरगर्मियों के साथ साथ कहीं ना कहीं हम इसे बोल सकते हैं पॉलिटिकल डिजास्टर, क्योंकि तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो लगातार भाजपा की तरफ पलायन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा ने राष्ट्रवादी विचारधारा शायद लोगों के अंदर पूरी तरह से वो राष्ट्रवादी विचारधारा हावी है। ऐसे में मेरे साथ कुलदीप वत्स हैं। अब कुलदीप वत्स जैसे नेताओं की अहमियत हरियाणा के चुनाव में क्यों है? क्योंकि जो स्थानीय नेता होते हैं वो हमेशा बात करते हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर। हालांकि राष्ट्रवादी सभी को होना चाहिए, देशभक्ति सभी में होना चाहिए, लेकिन स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की आड़ में ना कभी छिपाए जा सकते हैं, ना ही कभी छिपे हैं। 18 तारीख को लेकर कांग्रेस क्या कार्ड खेलती है, समस्त कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनकी नज़र है, भाजपा वालों की भी नज़र है, पूरे हरियाणा प्रदेश की नज़र है। और कुलदीप वत्स जी लोकसभा चुनाव में अहम कड़ी निभाई थी, बादली विधानसभा से अच्छी लीड मिली थी, 18 तारीख को लेकर क्या विजन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुलदीप वत्स जी, ऐसे में जब राजनीतिक अस्थिरता कह सकते हैं पूरे प्रदेश में छाई हुई है, इसी बीच हरियाणा प्रदेश की जनता को 18 तारीख की रैली से बड़ी उम्मीदें हैं, क्या मानते हैं लोगों को नई पार्टी मिलेगी, नया नेतृत्व मिलेगा, या सिर्फ वो विजन मिलेगा कि प्रदेश की जनता खुशहाल कैसे हो, क्या घोषणा आप लोग करने वाले हैं? देखिए, मैं एक बात से आप किसी सहमत हूँ, जिस तरीके से भाजपा सरकार, मनोहर लाल की सरकार, इसके मंत्रियों की सरकार, इनने जिस तरीके का एक दुष्प्रचार का एक माहौल बना रखा है हरियाणा में कि फलाना कांग्रेस छोड़ की, फलाना चौटाला छोड़ की, फलाना छोड़ के इसके पट्टा देंगे, तड़ेगा हमारा मंत्री पागल हुआ घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। अगर पौने पाँच साल पहले जनता के बीच में आता, काम करते, अपने जिन्होंने इसको 42-41 हज़ार वोट जिन साथियों ने दी उनका सम्मान करते, उनका काम करते, तो आज ये नौबत नहीं आती। एक आदमी जिसको कोई वो भी नहीं होगी तो वो कह देगा नहीं मैं तेरे घर चाय पीना चाहता हूँ, और चार साथी फ़ोटो खींचनी है और डेढ़ दे पट्टा डाल के वो फ़ोटो फेसबुक डालते, वो बेचारा ये नहीं समझ पाता कि ये मेरे घर आए कैसे, क्या हुआ। तो इनकी बौखलाहट है, और मेरे हिसाब से हमारा जो ओम प्रकाश धनखड़ है मंत्री, शाम दाम दंड भेद, क्योंकि पैसा बहुत मोटा कमा लिया, इसके घोषणा पत्र पहले देखो और आज का मंत्री देखो, तो सत्ता की भी ताकत, पैसे की भी ताकत, उसका पूर्ण रूप से दुरुपयोग करके अब इसको ये लगता है कि भाई मेरे हाथ से ये सत्ता छीनी जा रही है, क्योंकि बादली हलके की जनता ये मन बना चुकी, जो 5 साल तक लोगों के साथ इसने दुष्व्यवहार किया, जो इसके अंदर घमंड था, जिस तरीके से लूट खसोट की इन्होंने राजनीति की, जिस तरीके से गांव में एक सरपंच को पकड़ा और गांव में कहीं 1 करोड़ पे दिया, 1 करोड़ की जगह पैसे लग रहे हैं गांव में 20%, 80% को मंत्री के जो चमचे हैं उन्होंने खाने का काम किया। जहाँ हमारे क्षेत्र बादली की मैं आता हूँ, हमारे क्षेत्र बादली में कांग्रेस के टाइम में दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी ने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एम्स लगाया। आज आप जाइए एम, इनका गवर्नमेंट आने के बाद इनके 5 बार तो इनके मंत्री आ लिए, ये कभी मुख्यमंत्री आ रहा है, पर एक भी नया कोई प्रोजेक्ट इन्होंने वहाँ लगाने का काम नहीं किया। 13 हॉस्पिटल की बिल्डिंग वहाँ पर बननी थी, उनमें से एक जो हमारे टाइम में थी वही की वो पूरी, ये IIT थी उसका कोई काम शुरू नहीं हुआ, बादली में बस स्टैंड था उसका काम शुरू नहीं हुआ, बादली में क्या मैंने तहसील बना दी, उप तहसील बना दी, वहाँ आज आप जाओ, वहाँ एक पुरानी बिल्डिंग है कॉलेज की, उसमें सारी ऑफिस खोल रखे हैं, और उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, हर आप नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और इसलिए कांग्रेस आएगी, भाजपा जाएगी। सर, राजनीति के पटल पर अगर देखा जाए तो भाजपा पूरे देश भर में ताकतवर नज़र आ रही है, ग्राउंड पर ये समस्याएं हैं बिल्कुल हैं, आपके बादली विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो ऐसे में मंत्री जी ने एक बात भी बोली है लोगों को कि सरकार तो भाजपा की आएगी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है लोगों को बरगलाने की बातें होती हैं कि सरकार हमारी आएगी तो चुन लीजिए। लेकिन कुलदीप वत्स जी, एक बात बताइए कि समस्याएं हैं, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हैं प्रदेश में, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हैं, शिक्षा को लेकर हैं, पूरी तरह से क्राइम को लेकर हैं, समस्याएँ हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस सामना क्यों नहीं कर पा रही है सर? या तो हो सकता
सकता है आपकी पार्टी में गुटबाजी हो सकती है, या जो आपकी पार्टी के जो आला कमान है उनके फैसले ऐसे विचलित करने वाले होते हैं कि जनता को लगता है कि ये तो राष्ट्र विरोधी पार्टी है। कहाँ पे आपकी पार्टी की तरफ से कमी हो रही है सर? चलिए ये मान लेते हैं कि कुलदीवस तो ठीक बातें बोल रहे हैं, लेकिन कुलदीवस की जो पार्टी आला कमान के नेता हैं वो बयान देंगे तो कुलदीवस पर ही प्रभाव पड़ेगा। मैं इस बात से सहमत हूँ। जहाँ धारा 370 की बात थी, हमारे कांग्रेस के जो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी थे, मेरा भी स्वयं आपने इंटरव्यू देखा होगा, हम इसके हक में हैं। रही बात कांग्रेस के जो गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, उनकी बात ठीक है, उस स्टेट से आते हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और मैं बादली हलके का बेटा और भाई हूँ, और बादली हलके की कोई बात आएगी तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उसको आवाज़ को उठाऊँ। और राहुल गांधी या और नेतृत्वों ने, उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं कि उन्होंने समर्थन किया, उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है 370 लागू होगी, पर जो वहाँ के लोग और जो रह रहे हैं वो अमन चैन से रहें, वहाँ उनके साथ कोई अत्याचार नहीं हो। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी एक बहुत झूठी पार्टी है, ये भाई से लड़ाने का काम करती है, ये जुमला पार्टी जिसको भी हम कहते हैं। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जिस तरीके का ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भाई मैं जीत रहा हूँ, हम जीत रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट आ रही है, ये इस तरह से लोगों को बका नहीं सकते। लोगों ने मन बनाया है और गवर्नमेंट लोग लेके आते हैं, जनता लेके आती है, हमारे हाथ में किसी के हाथ में कुछ नहीं है, ना मेरे हाथ में है, ना मंत्री के हाथ में है। और मंत्री जी का घमंड जरूर है कि भी मैं नहीं अड़ता। मैं आज आपको एक बात कह रहा हूँ, बादली हलके की जनता चाहे इलेक्शन मैं लड़ूँ चाहे को और भाई लड़े, इसको हराने का काम अवश्य करेगी 101%। ओम प्रकाश धनखड़ की जमीन निकल चुकी इसके पैरों नीचे, जिस तरीके से हड़बड़ाहट से लगा हुआ है आपने देखा है। आप अगर इतने आपने काम किए तो आपके क्या जल्दी है? आप जिस आदमी को जानते नहीं उसको स्वयं फ़ोन कर रहे हैं, उसके घर चाय पीने जा रहे हैं, ज्वाइनिंग करो, क्यों, क्या है जी, क्या जल्दी है? मेरे को बताओ तो सही, आपने इतने काम किए हैं, आप कह रहे हो मैंने विकास किया है, आप 5 काम गिनवाओ बादली हल्के में जो आपने बड़े काम किए, 5 काम बड़े काम गिनवा दो। अरना मैं गिनवाता हूँ कांग्रेस के टाइम में कितने, 5 नहीं मैं कहता हूँ 20 काम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बादली हल्के में लगे। जी, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लगातार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बातें दोहराते हो, शायद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये लोग भरोसा नहीं करें, लोगों को भी मालूम है ये बातें। दिक्कत बस जी, अगर आपकी राजनीति पे मैं आऊँ, दिक्कत इस चीज़ को लेकर है, अभी आप यहाँ पर बैठे हुए थे, नरेश प्रधान भी बैठे हुए थे, काला निमाना बैठे हुए हैं, लाडपुर से वो थे वो बैठे हुए हैं, संशय बादली क्षेत्र में एक चीज़ को लेकर है कुलदीवस को, कि टिकट किसकी होगी सर? देखिए इस चीज़ को लेकर सर लोगों के मन में संशय है। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, टिकट एक को ही मिलेगी जी। आपने मेरे भाषण में भी सुना कि भाई जिस, मैं तो अपनी कहता हूँ भाई, जिस भी साथी को हमारे उड़ा साहब दीपेंद्र जी टिकट दे के भेजे, सभी साथियों का एक धर्म और कर्तव्य बनता है कि उसको जिताने का काम करें। छोटी मोटी बातें होती है, एक पार्टी बड़ी पार्टी होती है, पर जिस टाइम जिसकी टिकट डिक्लेयर होगी हम सारे साथी मिलके और ओम प्रकाश धनखड़ को हराने का काम करेंगे, जनता के साथ मिलके, जनता हमारे आशीर्वाद देगी। जो भी साथी लड़ेगा, मैं लड़ूं और कोई लड़े, जो भी लड़ेगा मजबूती से लड़ेंगे और ओम प्रकाश धनखड़ को हराने का काम करेंगे। बस जी एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे में जब पूरे हरियाणा प्रदेश में गैर जाट राजनीति का बोलबाल, ऐसे में कुलदीवस आज भी भूपेंद्र हुड्डा जी पे इतना भरोसा क्यों जताते हैं, उन्हीं का साथ क्यों, क्योंकि पलायन लगातार जारी है सर भाजपा की तरफ? देखिए सच्चाई, मैं सच्चाई के साथ चलता हूँ, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मैं अपने स्वार्थ के लिए भूपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं हूँ। भूपेंद्र हुड्डा जी से आप पूछ भी सकते हैं कभी कि कुलदीप ने आपसे कोई पर्सनल कभी कोई फ़ायदा उठाया है, या कोई आप ये भी पूछ लेना कि कुलदीप ने अपने परिवार से कोई बालक भी नौकरी लगवाया है। मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिला के लिए, अपने आने वाले जो हमारी युवा साथी हैं उनके लिए, आने वाले जो हमारे भविष्य हैं उनके लिए, आने वाला हमारा विकास है उसके लिए, आने वाली हमारी एजुकेशन है उसके लिए, आने वाले हमारी झज्जर जिला हो, जितना भला हमारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, जितने हमारे रोजगार दिए, जितने हमारे यहाँ पे
चाहे वो हेल्थ का था, चाहे एम्स था, रेलवे लाइन थी, और जितने भी प्रोजेक्ट थे वो इन्हीं की देन थी। अरना जिस टाइम हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर नहीं था, उससे दस साल पहले जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर, उससे पहले आप जज्जर के हालात, आप भी यहीं से आते हो, मैं भी यहीं से आता हूँ, सुभाष जी भी यहीं से आते हैं, सब ने ये देखा था कि हमारा क्या हाल था। तो इस वजह से मैं ना कोई जातिगत, भाजपा का काम जरूर है भाई को भाई से लड़ाना, हमारा एक ही मकसद है कि भाई को भाई से मिलाना। मैं एक ही बात कहता हूँ कि सारे भाई, 36 बिरादरी एक है और एक रहनी चाहिए। जब इंसान को भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो हमारा क्या फ़र्ज है। पर बीजेपी की ये छोटी सोच है, कहीं हिंदू मुसलमान को, कहीं पटेल को, कहीं गुज्जर को, कहीं ब्राह्मण को, कहीं राजपूत को, कहीं जाट को, कहीं नॉन जाट को, इनका ये कर्तव्य है, ये धर्म अपना समझते हैं। और इन्होंने सदा अंग्रेजों वाली नीति अपनाई, अभी फूट डालो राज करो। अर्ना मोदी जी एक नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा मनोहर लाल खट्टर जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज आप अखबार उठाइए, यूपी के अंदर इनकी गवर्नमेंट है, हरियाणा के अंदर इनकी गवर्नमेंट है, आप सुबह से शाम तक कितने बड़े अपराध, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, इनके विधायक कर रहे हैं, इनके विधायकों के वीडियो शेयर हो रहे हैं, इनके कार्यकर्ताओं के, इनकी महिला नेताओं के, जिस तरीके से ये आदमी आज हमारे बीच में, हमारी बहन बेटियों की जितनी इज्जत इनके प्रति है वो आप सब देखते हो। हमारा 3 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री का बयान पढ़ा होगा आपने, ये पहले इनके मंत्री का एक बयान था, बोले बिहार से लड़कियां ले आएंगे। अब मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, ये कोई छोटी छोटी पोस्ट नहीं है, इस प्रदेश का मुखिया है, और वो ऐसी टुच्ची और ऐसी गंदी सोच की बात करता हो कि भाई अब कश्मीर में 370 धारा हट गई, वहाँ से लड़कियाँ ले आएंगे, कोई शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। दूसरा मंगल पांडे जी, वो कोई किसी एक जात के नहीं, किसी एक बरादरी के नहीं, शहीद सभी के होते हैं, और शहीद का अपमान, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान जिस तरीके से ये कर रहे हैं, इनको जनता सबक सिखाएगी। राजनीति में इस दौर में आप कितना दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि सर आपके बादली विधानसभा क्षेत्र की राजनीति के बारे में एक अटकलें लगाई जा रही हैं, कुलदीप बस अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बैकफुट पर जा सकते हैं, संजय कबलाना नहीं लड़ेंगे बैकफुट पर जा सकते हैं, कई ऐसे चेहरे हैं, अगर अब की बार वो मैदान में नहीं आएंगे तो हो सकता है सर ये लोग, इतना लंबा टाइम हो जाता है सर, 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 15 साल बहुत लंबा टाइम होता है राजनीति में, क्या उस तरह का दबाव आप महसूस करते हैं? देखिए जी, संजय कबलाना की तो संजय कबलाना बताएगा कि वो लड़े या ना लड़े, पर मैं अपना स्टैंड क्लियर कर देता हूँ, पार्टी टिकट देगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी, 1001% अवश्य इलेक्शन लड़ूंगा, 100% इलेक्शन लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा और सारे साथियों को साथ लेकर लड़ूंगा। अपना मेरी पार्टी, मेरे नेता, जिससे भी मेरे साथियों को टिकट देंगे, टिकट एक को मिलेगी, कोई बैकफुट पर नहीं जाएगा, एक आदमी को टिकट मिलेगी। सर एक टिकट में फिर नरेश प्रधान ही क्यों आगे रहते हैं? नहीं नहीं, नरेश प्रधान उसकी बात नहीं है, नरेश प्रधान की, कुलदीप सर, नरेश की, उसकी किसी की बात नहीं है। अब के पार्टी जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे जी, जो हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी और हमारा आईक्वान, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे, उसमें मेरा नंबर पड़ेगा तो मैं भी हूँ, और किसी भाई का पड़ेगा तो वो भी है, और हम सारे साथी क्लियर कह दिया कि हमने अपना हरियाणा बचाना है, तो हरियाणा बचाना है तो सब ने एकजुट होके, कांग्रेस ने एकजुट होके, जो खट्टर, मैं पर्सनल एक बात कहता हूँ, जो खट्टर सरकार है, जिसने इस प्रदेश का भाईचारा खराब किया, इस प्रदेश में झूठे जुमलों का काम किया, इस प्रदेश में भाईचारा तो ख़त्म किया ही, का विकास ख़त्म किया, आज रोज़गार नहीं है बच्चों के पास, उसको उकाड़ फेंकने का एक मौका है। और मैं ये बात कहता हूँ कि भाई हरियाणा बचा लो, मौका है, मारो धक्का, खट्टर सरकार को चालती करो और हरियाणा में भाईचारा स्थापित करो, और बिजनेस भी और एजुकेशन भी, और सारे हम सबका एक सपना है कि हरियाणा में दोबारा 10 साल पहले था उसी तरीके से 10 साल पहले वाला हरियाणा हमारा फिर बने। ये सर आपने ये तो बोल दिया कि टिकट एक कोई चाहे किसी में रहेंगे, जानते हैं कि आपकी पार्टी में खामी है, संगठन की कमी है, क्योंकि संगठन नहीं है ना, आपके पास जिला अध्यक्ष है ना, बूथ लेवल पर कोई ऐसे कार्यकर्ता है जिनकी मीटिंग होती रहे समय बाई समय, तो संगठन में बदलाव की मांग करते हैं, कमी मानते हैं कि संगठन में कमी है, जबकि दूसरी तरफ अगर भाजपा को देखें सर, कभी पन्ना पर
कभी उनके बूथ सम्राट सम्मेलन स्टार्ट हो जाते हैं, कभी अलग अलग तरह की योजनाएं उनकी आती रहती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं देखने को मिलता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, संगठन में हम पिछड़े हुए हैं और ये जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उनका 10 साल के करीबन ये हो गए, 10-10.5 साल जो भी हुआ समय, उनका फ़र्ज़ बनता था कि भाई मैं जिलाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष बॉडी तैयार करूँ, उसमें वो नाकाम रहे। उसका भुगतान हमने पीछे भुगत लिया और अब हाई कमान ने भी जल्दी से ये फैसला ले लेना चाहिए एक दो रोज़ के अंदर कि भाई जो संगठन को चला सके, जो हरियाणा में कांग्रेस को मजबूती से उठा सके, उसको हाई कमान कमान दे। और हरियाणा में मैं आज आपको कह रहा हूँ, अगर सारे एक होकर लड़ते हैं तो अवश्य, ये तो 75 पार का नारा देते हैं, मैं कह रहा हूँ ये 15 पार नहीं कर सकते। अगर हम सारे ढंग से इकट्ठे होंगे, मैं आज आपको एक और बता रहा हूँ, बहुत जल्दी जो 18 तारीख की हमारी रैली है, आपने एक मेरे से कुछ सिनोर भी किया था जी, कि 18 तारीख की रैली पार्टी की है या हुड्डा साहब की, मुझे याद था, मैंने सोचा आप जवाब नहीं देना चाहते इसलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 10 साल इस कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर है, इस परिवार को जैसे जितना गांधी परिवार का समय कांग्रेस के साथ है उतना ही समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा परदादा दीपेंद्र जी, उतना ही सहयोग इन्होंने भी कांग्रेस के साथ, उतना वक्त इन्होंने बिताया है गांधी परिवार के साथ भी वैसे भी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वही झंडा है, वही डंडा है। और जो 18 तारीख की जो हमारी रैली है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा की रैली नहीं, वो आपकी भी रैली है, मेरी भी रैली है, सुभाष भाई की भी रैली है, सभी की रैली है, सभी की वो रैली है। और हमारी रैली भाजपा के कुशासन, भाजपा के भ्रष्टाचार, जिस तरीके से आज प्रदेश में भय भ्रष्टाचार, ये कहा गया भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने इनके मंत्री हैं, एक मंत्री ऐसा बता दिए मेरे को, मनोहर लाल खट्टर ईमानदारी की बात करता है, 5,000 करोड़ का घोटाला तो ये खनन घोटाला है, क्यों नहीं जांच कराते हैं भाई? आपके जितने मंत्री हैं, खट्टर साहब को पता है कि ये कितने ईमानदार हैं, कहता मैं ईमानदारी की बात करता हूं। कल अनिल विज ने किसी बंदे को नौकरी दिलाई है, +2 फेल है, और ये बात करते हैं उसका 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 कल का अखबार आपने पढ़ा होगा, तो ये ईमानदारी की बात करते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में सब डूबे हुए हैं, एक प्रोपगंडा बना दिया कि भाई हम निष्पक्ष नौकरी दे रहे हैं, जिस बच्चे को HCS लगना था, इंस्पेक्टर लगना था, उसको तो आपने सिपाही वो चपरासी लगा रखा है, क्लर्क लगा रखा है, तो कहीं की बात करते हैं, पारदर्शिता मैं मानता हूँ, पर आपने मंत्रियों की जाँच कराए, खट्टर सरकार अगर इतने ईमानदार हैं तो धनखड़ की जाँच कराए, रामविलास शर्मा की जाँच कराए, मनीष ग्रोवर की, जिसने इस हरियाणा को जलाने में, मैं आज आपको कहता हूँ आपके माध्यम से, और इस बात को मैं फिर कहता हूँ, ये जो हरियाणा जला, इसमें सबसे ज़्यादा रोल मनीष ग्रोवर, ओम प्रकाश धनखड़ और इनके कैप्टन अभिमन्यु और इनके मुख्यमंत्री, इन्होंने इस भाईचारे को ख़राब करवाने में सबसे बड़ा रोल इन आदमियों का है। क्या आप मानते हैं कि राष्ट्रवाद की आड़ में स्थानीय मुद्दे छिपाए दिए गए हैं, स्थानीय मुद्दों की चर्चाएँ नहीं हो रही, क्या आप मानते हैं ऐसा? आप एक चीज़ बताओ ना, बिल्कुल मैं मानता हूँ, आप पहले मेरी इस बात का जवाब दो, प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को गवर्नमेंट ओपन क्यों नहीं करना चाहती, क्या कमी है? ये हुड्डा साहब पर ब्लेम लगाते थे बार बार इलेक्शन दौरान, ये खट्टर साहब, ये मनीष ग्रोवर, ये ओम प्रकाश धनखड़, ये कैप्टन अभिमन्यु, ये सफाई दें जनता के सामने, दूध का दूध पानी का पानी करें, गवर्नमेंट ही नहीं की थी। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बादली हल्के में कांग्रेस पार्टी की पकड़ है, वो लगातार ढीली हो रही है, उसके लिए कुछ करना चाहिए, या अभी भी आश्वस्त हैं? क्योंकि पहले आप बोलते थे मंत्री जी अपनी सीट छोड़कर भागेंगे, इनकी जमानत जब्त होगी, अभी भी वही दावे हैं क्या आपके? मैं आज आपको कह रहा हूँ, आपकी मेरे याद है लोकसभा के इलेक्शन में भी आपने मेरी बाइट ली थी, मैंने उस दिन भी कहा था कि बादली से हराएंगे और अच्छी वोटों से हराएंगे, और आज फिर कह रहा हूँ, मंत्री तो भागना चाहता है जी, पर मंत्री जाए तो जाए कहाँ, दादरी में
इसकी 3200 वोट आई थी। बादली हलके की जनता ने मंत्री को बहुत बड़ा सम्मान दिया था, इज्जत दी, और आज जो मंत्री बने वो बादली हलके की जनता ने बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ, 5 साल में मंत्री जी स्पष्टीकरण दे, 5 साल में बादली हलके में कितने रोजगार दिए? कृषि मंत्री है, नहर महकमा इसके पास था, आपने कितने गाँव को, एक गाँव से कितने गाँव तक पानी से जोड़ा, कितना किसानों को आपने फ़ायदा दिया, कितना आपने हेल्थ के लिए काम किया? बोला नींबू बांट दिए, बोला भाई ताश की गिड्डी बांट दी, बोला अमरूद बांट दिए, कभी कभी पापड़ी बांट रहा हूँ। इन चीज़ों के लोग सब समझते हैं, सब समझदार है, ये टोंडर टोटका, कभी अमावस्या ने कभी शनिवार ने, क्योंकि इन चीज़ों से काम नहीं चलता। तो जनता के बीच में अगर काम करता तो आज ये नौबत नहीं आनी थी, और आज वो नौबत आई हुई है। मंत्री जी होपलेस हैं, मंत्री जी मेरे हिसाब से, मेरे साथियों के पास बिना बुलाई, अभी वो लड़के चले गए, मैंने आपको दिखाता, बोला जी हम तो बैठे ताश खेल रहे थे, आए और बोला फटका डाल दिया, मंत्री जी हाथ खड़े हो गए। तो ये क्या, कौन सी शासित कर रहे हैं? तो इसकी ज़मीन निकल चुकी, आने वाला समय बादली की जनता, हरियाणा की जनता, झज्जर जिला की जनता सारी सीट जीतेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। बस जी, ये तो आपका ठीक कहना है कि स्थानीय मुद्दे हैं, लगातार आप क्रिटिसाइज करते रहते हो, लेकिन कृषि मंत्री जी, क्या आपको लगता है कि लगातार जहां भी वो जा रहे हैं 370 को लेकर जिक्र कर रहे हैं, वो किसी और मुद्दे पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, उसका फ़ायदा तो वो कहीं ना कहीं जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं वो उठाएंगे ही ना उस चीज़ का? तो पहली बात तो मंत्री जी का योगदान क्या है उसमें? 370 जब आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, और बीजेपी ने पिछले 5 साल में वो वादा पूरा नहीं किया था, लोगों ने इनको एक मौका दिया था कि भाई एक मौका और दे दो, कारगिल हमारे शहीदों का ये वो, क्योंकि बीजेपी ड्रामेबाज पार्टी है, उन्होंने उसको पूरा बुलाया। लोगों ने देश में नरेंद्र मोदी को वोट देने का काम किया था कि भाई ठीक है, नरेंद्र मोदी को 5 साल का मौका दिया, कौन मौका मिला है। पर मैं 370 के बिल्कुल खिलाफ़ नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है, वो हट गई, अब सारा काम हो गया, अब आ जाइए अपने उसके ऊपर आ जाए, स्थानीय मुद्दों पाए, कितने आपने रोजगार हरियाणा के अंदर लगाए, कितने रोजगार छोटे छोटे भाग रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, नोटबंदी आपने की थी, नोटबंदी का क्या असर है आज आपकी जेब में? हज़ार के नोट व्यागर तक करा रहे, आज मैं आपसे कहूँगा लाभ साथ दियो पैसे, तो आपकी जेब में पैसे नहीं है। तो स्थानीय मुद्दे हैं, मुद्दों पाए, आपने कितने रोजगार दिए हैं, क्या आपने किया है, कुछ जो मुद्दों से भटकने की ये चीज़ें कुछ नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, 370 से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे प्रदेश को तो कोई फ़ायदा नहीं ना, हमारे प्रदेश को कोई बिजनेस अभी लगाना नहीं। आज आप ये सोचते हैं कि बोला बिजनेस लग जाएंगे, ये हो जाएगा, पहले आप बिजनेस लगाओ तो सर, पहले उस काम को शुरुआत तो करवाओ। आप हमारे हरियाणा में क्या कर रहे हो? हमें और कुछ नहीं चाहिए, 370 हटिए, हम कम स्वागत करते हैं, पर आप ये बताइए मनोहर लाल खट्टर सरकार, या गए ओम प्रकाश धनखड़ जी, 370 के कहने से क्या है, आप इसका हमारे को फायदा बता दो, हमारे लिए क्या किया आप? बिल्कुल बिल्कुल, आज आप अपने भाषण में थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, थोड़ा सा गुस्सा से लग रहा था कि इतनी मेहनत की उसके बावजूद लोग हैं वो ब्लेम लगा रहे हैं। वो ऐसा था, उस चीज़ का मैं गुस्सा नहीं था, मैं एक अपनी हमारी एक पार्टी की मीटिंग है, आज हम लोकसभा के इलेक्शन के बाद सारे बैठे हैं, क्योंकि 36 बिरादरी ने और सारे भाइयों ने एक मत होकर मेहनत की है। मैं बिल्कुल, ये छंदवाद का मुद्दा था, राष्ट्रवाद मुद्दा था, छंद राष्ट्रवाद का मुद्दा था, और हमारी कुछ कमियां रही हैं किसकी वजह से हम इलेक्शन लूज करके 7-7.5 हज़ार वोटों से, वो कोई इशू नहीं था। तो उसकी अगर हम उसी बात को 7-7.5 हज़ार से हम उसका हमने समझने पड़ेगा। मैंने ये कहा कि भाई हम सारे भाई, एक आदमी का ये फर्ज बनता है कि मेरे से सुभाष भाई नाराज किस बात से हो तो मैं सुभाष भाई को मनाऊंगा, मुन्ना भाई नाराज किस बात से नाराज है तो हम मनाएंगे। तो मेरा वो था, भावुक नहीं ना मेरे गुस्सा था, और जोश नहीं भरेंगे अपने साथियों में तो फिर हम जोश की तो कमी है, और ना हमारे पास कोई वर्करों की कमी है, हमारे कांग्रेस के जो ऐसे ऐसे साथी हैं एक आदमी 100 के बराबर है, इतनी मेहनती है। तो आज वो था ही, और सारे टीम हमारी तगड़ी है। बस जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जब भी मैं जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट होते हैं आपकी टिकट की दावेदारी को लेकर बात करता हूँ ना, तो वो एक चीज़ बोलते हैं कि जो मैम से विधायक आनंद सिंह दांगी, जो डॉक्टर रघुवीर सिंह का जैन, उनके साथ आपके रिश्ते विवादास्पद हैं, और नरेश प्रधान है, उनकी पकड़ वहाँ पर अच्छी खासी है, तो ये चीज़ बोलते हैं लोग, क्या कोई ऐसी बात है आपके और उनके बीच में? आप
आनंद सिंह डांगी जी को मैं आज आपको एक और रिश्ता बता देता हूँ। आनंद सिंह डांगी जी बहुत टाइम पहले जेल में बंद थे जब मैं छोटा सा था। तो हमारा एक टीम थी जो हम कॉलेज के स्कूल के साथी थे, हमारी रोहतक की एक टीम बनी थी। हम आनंद सिंह डांगी के पास जाते थे और आनंद सिंह डांगी को मैं आज आपको बताता हूँ, मैं ना MLA साहब कहता, मैं आनंद सिंह डांगी को चाचा कह के पुकारता हूँ कि मेरे वो मैं चाचा राम राम कहता हूँ। मेरे बहुत अच्छे रिश्ते आनंद सिंह डांगी जी से, जहाँ डॉक्टर कबीर कादयान की बात है वो पीछे मीडिया में चली, आनंद सिंह नहीं कादयान की, ठीक है हर आदमी के रिश्ते हर आदमी से अच्छे, मेरे डॉक्टर रघुवीर कादयान से भी अच्छे रिश्ते हैं और मेरे आदरणीय हैं, मेरा और उनका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि मेरे एज में मेरे पिता के समान है, कद्दावर नेता है। तो मेरी उनकी क्या लड़ाई, जहाँ मेरे नेता कौन है आप बताओ पहले? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बोलते हो आप तो हर बार। मेरे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा है। मैं इज्जत सबकी करता हूँ, A to Z सबकी करता हूँ, हरियाणा के जो भी नेता है सबकी इज्जत करता हूँ, नो डाउट। पर मैंने आज भी आपको क्या कहा जनसभा में, मैंने क्लियर क्या कहा कि भी मेरे नेता सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा है। राहुल गांधी सोनिया जी उनके लीडर हैं, नेता हमारे भी हैं, पर मेरा लेवल है तो मैं उसी लेवल का नेता मानूंगा ना। हुड्डा साहब का लेवल है भाई, सोनिया जी राहुल जी वो उनके नेता, मेरे नेता तो ये है। तो मैं ये बकवास की बात है, रही बात ये रघुवीर कादयान जी हो या आनंद सिंह डांगी हो, बादली में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी जिसको टिकट देना चाहेंगे उसको टिकट मिलेगी। ये किसी के लोगों को भरम हो कि कोई मेरे किसी और के, वो जो चाहेंगे वो पाएंगे। क्या आपको लगता है कि पार्टी अब की बार आपकी मेहनत को देखेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं आपकी दावेदारी को लेकर पूरी तरह से अब की बार अड़ जाएंगे, संघर्ष करेंगे, क्या आप उम्मीद करते हैं? देखिए ऐसा है, मेहनत अगर मेरी अच्छी लगी होगी, मेरी वफादारी अच्छी लगी होगी तो मेरे को टिकट दे देंगे। भाई कोई मेरी मेहनत में कसर रही होगी या कोई मेरी वफादारी में कसर रही होगी तो किसी और भाई को दे देंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। हम तो मेहनती हैं, मेहनत करने वाला आदमी है। जिस बल होगा, देखो मैं राजनीति की बात बताऊँ, मेरे गांव में आप जाके पूछना, मेरे पिताजी की डेथ हुई जब मैं 4-5 साल का था, मेरे फादर गांव के सरपंच भी रहे बड़े, उससे मेरे को आज तक जो दिया मेरी माँ, मेरे बाप ने हमारे को पैदा किया, उनका आशीर्वाद जितने समय का था मिला, मेरी माँ एक देवी का रूप थी, मेरी माँ ने आज हम यहाँ पहुँचाए। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ का आशीर्वाद था, मेरी माँ के रास्ते दिखाए हुए थे, दिशा निर्देश थे, मेरी माँ ने एक ईमानदारी की मिसाल पैदा की मेरे गांव में। आप पूछ रहा वो बता देंगे, मैं अपने मुँह से नहीं बताऊँगा, उसके वजह से हम आज इस रास्ते पर पहुँचे। और भगवान ने, मैं भगवान को मानता हूँ, उसने मेरे को बहुत कुछ दिया, इज्जत भी दी, शोहरत भी दी और पैसा भी दिया, और ईमानदारी से नेक तरीके से रास्ते पर, सही रास्ते पर चल के हमारी माँ ने चलाया। और मैं किसी एक चीज़ में क्लियर कहता हूँ, मैं भगवान पर विश्वास रखता हूँ, जो ऊपर वाला करेगा वो अच्छा करेगा। कोई किसी को क्या देना चाहता है, क्या लेना चाहता है, कोई किसी को देता नहीं, कोई किसी को लेता नहीं। अगर आप भगवान पर विश्वास रखो, भगवान जो करता है और जो नेता करेंगे वो अच्छा करेंगे, मैंने उस चीज़ का पूर्ण रूप से स्वीकार है, जो वो देंगे मैं खुशी से उस चीज़ के लिए सोचते। भगवान का नाम हम कह सकते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कुल दिवस टिकट लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग टिकट को लेकर ही बोलते हैं आपको लेकर। टिकट मैंने जब आपको क्लियर कह दिया, मेरे से आप क्या पूछना चाहते हैं? आप भगवान को लेकर बोल रहे हो, लोग ये क्लियर कट बोलते हैं कि कांग्रेस की टिकट से कुल दिवस आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, विधायक बनेंगे। देखो लोगों का प्यार आशीर्वाद है, मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ, वो अपना बेटा अपना भाई मेरे को समझते। मैं आज आपको एक और बात कह रहा हूँ, ये सच्चाई है यार, मैं मतलब ये कि ये भावुक दिल से कह रहा हूँ, लोगों ने ईमानदारी से जिस टाइम मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, देखो मैंने एक बात आज भी कही अपना, वो जो अपने पूरे वक्त में काम आई मैंने अपने भाषण में भी कहा, तो मेरे को लोगों ने, सुभाष जी भाई बैठे हमारे बड़े हैं, मुन्ना भाई बैठे, लोगों ने, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि लोगों ने जो मेरा साथ दिया ना, मैंने जीवन भर उनका एहसान बंद हूँ। जिस दिन कुछ बन गया और कुछ ताकत आ गई, कोशिश ये रहेगी, देखो मैं कह दूँ मैं ये कर दूँगा वो नहीं, पर मेरी कोशिश ये रहेगी, जिस जिस भाई ने मेरे लिए कर रखा है मेरे दिमाग में है और दिमाग में रखता हूँ, मेरे पास चिमचागिरी तो है नहीं, बोलता रहूँ लोगों के नहीं, मेरे दिल में और दिमाग में है जो मेरे साथ मेरे साथियों ने, ना तो मैं मेरे साथ में पूरा बादली हलके का भला कर सकता, पर ये ज़रूर है पूरे बादली हलके का सामूहिक विकास में कभी पीछे नहीं हटने दूँगा। ताकत मिलेगी तो उसको विकास में लगाऊँगा, ना कि विनाश में लगाऊँगा।
दूसरा जो मेरे साथी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए मेरी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, मैं वो भी दे दूंगा, उसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। उनको ये शब्द नहीं कराऊंगा कि भाई ये गद्दार है। 18 तारीख को लेकर आपकी कैसी तैयारियां चल रही हैं, कितना दलबल साथ लेकर जाएंगे? हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले का जो रैलियों का शक्ति प्रदर्शन कुल दिवस दिखाते थे वो ये शायद विधानसभा चुनाव से पहले का हो, तो वही दलबल देखने को मिलेगा आपकी तरफ से, या अब मन में आता है कि नहीं अब तो अगर टिकट मिलेगी तो जब भी दिखाएंगे, पहले नहीं? नहीं, एक बात और बता दूँ आज आपको, जब मेरे नेता ने आशीर्वाद मतलब आदेश दिए तब तब मेरा एक ही रहा कि वो जो मेरे से उम्मीद रखें मैं उससे 21 करूँ ना 19 करूँ। जितनी ताकत पहले लगती थी उतनी ताकत अब लगाएंगे। और मैं तो सबसे, मैं आप अपनी नहीं कह रहा हूँ, आज हमारे नेता ने हमारी जरूरत है, सच्चाई में आज हमारे नेता ने हमारी जरूरत है। तो सबका एक फ़र्ज़ बनता है कि सभी ने ताकत लगानी चाहिए। जो पहले 19 लगाया करता ना, आज इस रैली में उन्होंने 21 लगानी चाहिए। क्योंकि मैंने फिर ये कहा कि वक्त, मुख्यमंत्री थे जब सब लगाया करते, आज लगाने का पता है, आज अपना और पराया का अब ये वक्त है कि अपने पराये कौन है। और मैंने 5 साल ये जो अपोजिशन के गए, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, मैं पार्टी से लेना देना नहीं था कोई। उसके 2 महीने बाद हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ड्यूटी लगाई मैडम सोनिया जी ने दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में। मेरे बॉस का फ़ोन मेरे से आया, कुलदीप भाई मैंने वहाँ बुलाया, हमने 5,000 लोग रात को ही पटौदी से भी बादली से भी हमने रात को ही वहाँ जमा कर दिए कि भाई नेता की जरूरत। दूसरी रैली फिर थोड़े दिन के बाद हुई उसी रामलीला ग्राउंड में, वो भी हमने दिल्ली को रात को ही अपना किया। तो मेरा ये फर्ज बनता है, मेरी ये कोशिश रहती है कि भी मेरा नेता मेरी ड्यूटी लगाता है तो वो अपना, उसका सिर्फ आदेश होता है, फिर मेरा फर्ज होता है। बस जी एक चीज़ और स्पष्ट कीजिए कि आपको नहीं लगता कि जो भाजपा ने अरविंद शर्मा को यहाँ से उतारा और उन्होंने जो दीपेंद्र हुड्डा को हराया है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी राजनीति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ? क्योंकि लोग उसको इस टाइप से देखते हैं कि एक ब्राह्मण नेता ने हमारे जाट नेता को आके हरा दिया, दीपेंद्र हुड्डा, बातें चलती हैं सर। और ऐसे में लोग ये चीज़ें प्रसारित कर रहे हैं आज के दिन कि बादली हल्के से अगर कांग्रेस किसी जाट नेता को उतारे तो हम उसके साथ होंगे, क्या भ्रांतियाँ हैं इसको लेकर ग्राउंड में? क्या बादली हल्के में इस तरह की बातें हैं कोई? वैसे आप मेरे से सिर्फ एक चीज़ का जवाब आप दे दिए, जो मेरे किसी नेता ने छोड़ के जी आम जनता से आप बादली मिले, आम जनता ने क्या कहा आपको? आम जनता ने तो आपकी मेहनत ग्राउंड पर दिखती है सर, जो वोट बैंक दीपेंद्र हुड्डा का आया वो नोट किया है सभी ने। जी ना तो सारे ब्राह्मण मेरे साथ जी, ना सारे जाट दीपेंद्र जी के साथ जी। 36 बिरादरी से एक कुनबा बनता है, एक परिवार बनता है, और परिवार और राजनीतिक तभी सक्सेस होता है जब सारे ताकत इकट्ठी होकर लगती है। भूपेंद्र हुड्डा जी को चीफ मिनिस्टर सब ने बनाना है, 36 बिरादरी बनाएगी, और ऐसा मेरे बादली क्षेत्र में कोई मुद्दा नहीं है। जितने बीजेपी के विपक्ष के जो आदमी हमारे, एक तो वो इस बात का प्रचार करते हैं जी। एक जेजेपी वाले हैं, चाहे जो हमारी पार्टी का भी कोई साथी होगा वो भी इस चीज़ों को प्रचार करते हैं। लोगों के मन में ऐसी कोई बात नहीं है, लोग एक ही बात कहते हैं कि भाई जात पे न पात पर भाई दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की बात में मोर लगेगी। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये लोग बकवास करते हैं और मैं इस बात का बिल्कुल कड़े शब्दों में खंडन करता हूँ। क्या दीपेंद्र हुड्डा जी को, आज दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कहा 36 बिरादरी ने वोट दिए, 6 लाख वोट दिए, वो ये तो ठीक है, एक समय होता है, कभी समय का झूला होता है, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे भी आता है, तो इस चीज़ों की परवाह नहीं करते लोग, पता नहीं क्या कहते हैं। पर ये ज़रूर है कि 18 तारीख की रैली में आपका एक तो निमंत्रण है जी, आप साथियों सहित आप भी आओ, क्योंकि आप भी इसी हल्के से लगते हो तो मैं आपसे इन्वाइट करता हूँ। और 18 तारीख को जलवे के साथ सारे भाई जोश और गर्म जोश के साथ चलेंगे और आप सबका वहाँ स्वागत करेंगे। बहुत बहुत तो ये थे कुलदीप वत्स जी, और कई ऐसे अनछुए पहलुओं से भी हमने आपको रूबरू करवाया। और कुलदीप वत्स जी के बारे में एक बात खास तौर से है, कितना कठिन सवाल हो, कितना निजी सवाल हो, मीडिया के हर सवाल का जवाब जरूर देते हैं और ईमानदारी के साथ सटीकता के साथ जवाब देते हैं। हालांकि हमने 370 को लेकर भी बातें की, सारी राष्ट्रवादी बातें भी की, लेकिन कुलदीप वत्स जी का एक बात कहने दी, 370 का समर्थन करते हैं, ठीक है, राष्ट्रवाद है, सभी में होता है, ठीक है, लेकिन उसके आड़ में स्थानीय मुद्दों को नहीं छिपाना चाहिए। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ पर
पहले की तरह आक्रामक दिखे हैं वो साफ तौर पर कृषि मंत्री को लेकर इन्होंने दावा किया है। ग्राउंड पे जाके देख लीजिए, बादली हल्के में बेरोजगारी पूरे चरम पर है, किसान पूरी तरह से वहाँ पर परेशान है, सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह से चिंताजनक हालत बनी हुई है। और एक चीज़ और कुलदीवस जी ने जिक्र किया है कि मैम से विधायक आनंद सिंह दांगी उनके साथ कैसे रिश्ते हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान हैं उनके साथ कैसे रिश्ते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने दावा किया 18 तारीख को पूरी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं पूरी एकजुटता के साथ तैयार हैं। एक चीज़ और कांग्रेस के बारे में है कि टिकट किसको मिलेगी, तो अब की बार कुलदीवस जी ये पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं कि टिकट किसी को भी मिले, पूरी कांग्रेस अब की बार एकजुटता के साथ बादली हल्के में लड़ेगी। और कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को कांग्रेस पार्टी चाहे उन्हें मौका दे चाहे और किसी साथी को मौका दे, उन्हें अच्छी तरह से ये दिखाएंगे कि जनता के साथ जो उन्होंने जनता की हालत कर रखी है उसका परिणाम क्या होता है। और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि 18 तारीख को कांग्रेस से क्या किस तरह के फैसले लेती है और बादली विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा। एक बात तो सर्वे तमाम तरह के बताते हैं कि बादली विधानसभा सीट में त्रिकोणीय मुकाबला तो जरूर होगा, इतना बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि भाजपा की सीट सेफ है। त्रिकोणीय मुकाबला बादली विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा और किस पार्टी का पलड़ा भारी होगा, किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी होगा, वो समय समय पर हम वो अपडेट आपको वो दिखाते रहेंगे। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।